हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मैथमेटिक ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें आप एक छोटा सा जादू भी कर सकते हैं। इसे करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसमें आप जादूगर के रूप में कार्य करेंगे और एक अपने फ्रेंड्स या फिर क्लास में किसी को भी आप रख लेंगे, वो आपके जादू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स से मिलिए, नंबर लिखे। मान लीजिए उसने 4 लिखा, ओके, प्लीज ध्यान से समझिएगा, उसने 4 लिखा। अब आप उसे कहिए कि मुझे 3 का टाइम दे और आपको इसके लिए एक ऐसे पेपर की जरूरत हो। आप अपने इस पेपर में एक नंबर लिखेंगे जो आप उसे नहीं दिखाएंगे, ओके, आपको उसे नहीं दिखाना है, इसीलिए मैं आप इसमें एक नंबर लिखता हूँ। तो जी हाँ, अब मैंने इसमें एक नंबर लिख लिया। अब आप इस पर्ची को साइड में रख लीजिए। अब आप उसे ऐसा ही एक 4 का और नंबर लिख लीजिए। वो मान लीजिए उसने लिख दिया। अब आपकी बारी आएगी। आप उसे कहिए कि अब मैं भी उसका नंबर लिखूंगा, तो मैं आपके नंबर लिखूंगा। मैंने ये नंबर लिख लिया, ओके। अब आप उसे कहिए फिर एक बार नंबर लिखे उसका। मान लीजिए इस बार उसने, अब से आपका चांस आएगा। मैंने सुनकर अब आप शांति से हो गया। अब बहुत ही सिंपल है, आप इसे ऐड कर दीजिए। वेरी सिंपल। अब मैन मैजिक। अब आप ये एक बात पे गौर करेंगे कि अब आप उसे कहेंगे कि मुझे इस पर्ची में नंबर बोल के बताओ। आप देख सकते हैं कि वही नंबर है, यही था हमारा जादू। अब मैं आपको इस मैजिक को कैसे किया वो मैजिक ट्रिक बताऊंगा, ओके। तो अब इस मैजिक को सीखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप अपने फ्रेंड से उसका नंबर मान लीजिए। पेपर में नंबर लिखेगी तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं, शांति से ये आपका जो नंबर है उसमें बस सबसे पहले लिख लीजिए 2। आपका कभी भी 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा, सबसे पहले 2। उसके बाद आप इसके 3 फिजिक्स लिख दीजिए। 1, 2, 3 लिख लेते हैं, 4, 9। अब आपको बस एक बात पर गौर करना है, ये जो आखिरी वाला पेपर है माइनस कर देने, ओके। तो हम देखते हैं कि हमें अगर इसमें माइनस करते हैं तो आप जाएगा, ओके। ये था कागज वाला नंबर। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, ओके। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम उससे दोबारा कहेंगे एक नंबर लिख लेंगे। तो अब आपका रिफ्रेंड नंबर लिखेगा, तो आपको मान लीजिए उसने लिखा 4, अब आपका चांस आता है। आपको बस इतना लिखना है, जो भी आप संख्या लिखेंगे उसका और ऊपर वाली संख्या का योग 9 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, तो आप अगर 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 आएगा। आप 9 में से 5 घटाते हैं तो 4 आएगा। 9 में से 3 घटाते हैं 6 आएगा। 9 में से 9 घटाते हैं 2 आएगा। आपका हो गया। अब आपका फ्रेंड कोई भी डिजिट लिखे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप वो पहले कोई भी डिजिट लिख सकता है, बाद में भी कोई डिजिट लिख सकता है। मान लीजिए उसने 9, 2, 6, 0 मान लीजिए उसने डेट्स चेंज नहीं किए, तो यहाँ पे आपकी अब चांस आइए फिर से भाई
नैन वाला रूल लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0739। ओके, अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप एक बात का बहुत ज़्यादा याद रखना कि पहले दो आपके फ्रेंड होंगे, फिर तीसरा वाला आपका, फिर चौथा फ्रेंड का, फिर पांचवा आपका। अब आप इनका टोटल कर दीजिए। चलो हम टोटल करते हैं, ये 2 अब आप मैच कर सकते हैं ये डिजिट्स और ये वाला डिजिट्स, बिल्कुल सेम है। 2 4 9 2 4 2 4 9 2 4, यही था हमारा मैजिक। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।